हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से जीत हार को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हरियाणा चुनाव पर कई बड़ी बातें कही। आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि क्या किसान आंदोलन और पहलवानों के मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, तो उनका जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने निष्पक्षता से मामले की जांच कराई, उनकी मांगों पर भी ध्यान दिया। अभी मामला न्यायालय में है, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। इसके बाद स्मृति ईरानी ने दोनों बड़े मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को राज्य में नुकसान की बात को खारिज कर दिया। स्मृति ईरानी से महिला पहलवानों के मामलों में बीजेपी की चुप्पी को लेकर सवाल पूछा गया, तब वह बोली कि मेरे साथ किस खिलाड़ी ने कब बैठक की और क्या कहा, इस पर नहीं बोलूंगी। अगर मैं बोलूंगी तो केजरीवाल को छोड़िए, आज ही वही हेडलाइन बन जाएगी। मामला अभी न्यायालय में है, विचाराधीन है, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। यानी सीधे तौर पर स्मृति ईरानी इन तमाम मुद्दों से बचती हुई नजर आई। स्मृति ईरानी के उलझे हुए जवाबों से ये संकेत जरूर मिलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम मुद्दों के जरिए हरियाणा में खास तौर पर नुकसान झेलने को मिल सकता है। किसान आंदोलन और महिला पहलवानों का प्रदर्शन, ये वो मुद्दे थे जिसके जरिए लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा था। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी पिछले दो लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी यानी 10 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवानी पड़ी और महज 5 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। ऐसे में साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में एक बड़ा नुकसान हुआ और इसका खतरा विधानसभा चुनाव पर भी मंडरा रहा है। फिलहाल स्मृति ईरानी के इस बयानों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट के साथ।